तो इंटेस्टाइन कितनी है? दो टाइप की होती हैं, एक है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई लगभग होती है 5 मीटर और इसकी लंबाई लगभग होती है 1 से 1.5 मीटर। तो अब बताओ इसको लार्ज और इसको स्मॉल क्यों कहते हैं? लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा है, लार्ज इंटेस्टाइन की कम है, तो इसको स्मॉल और इसको लार्ज क्यों कहा जाता है? इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डायमीटर या व्यास यहां से लेके यहां तक का, इसको बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर में ये छोटी होती है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका डायमीटर बड़ा होता है इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये तीनों, ये दोनों इंटेस्टाइन के तीन तीन पार्ट में डिवाइड होती है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या होता है? डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। यहां पर भी होता है पाइलोरिक वॉल, ठीक है? पाइलोरिक वॉल पाया जाता है क्यों? ताकि इंटेस्टाइन में पहुंचा हुआ फूड वापस से स्टमक में ना आए। अगर इंटेस्टाइन से जो फूड है वापस स्टमक में जाएगा तो इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हर यहां पर भी वॉल्व पाए जाते हैं ताकि ईसोफेगस में फूड वापस ना जाए और स्टमक में फूड वापस ना जाए, इसलिए भी इसमें पाइलोरिक वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है? तो स्टमक के बाद में आता है ड्यूडेनम। तो साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। हम डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है या बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। किसका पाचन होता है बक्कल कैविटी में स्टार्ट? कार्बोहाइड्रेट का। तो माउथ से लेकर स्टमक में पहुंचने तक लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से, कौन सा एंजाइम? एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम। इसके बाद में ये जो स्टमक है, स्टमक में केवल HCl या जठर रस जो है भोजन में मिलता है और उसका उसमें प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है? लेकिन पूरी तरह से फूड अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो डाइजेशन की मेन साइट क्या होती है? इंटेस्टाइन। इसकी सरफेस में हमने क्या क्या बताए थे? विलाई और माइक्रोविलाइज पाई जाती हैं, जिनमें बहुत सारी लगभग 35 मिलियन सेल्स पाई जाती हैं। किसकी? डाइजेशन के लिए। तो अब इसके सरफेस लगभग कितना होता है? ये 5 मीटर लंबी होती है, लेकिन इसके अंदर पाई जाने वाली विलाई और माइक्रोविलाई के कारण इसकी सरफेस लगभग 600 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे? अगर हम केवल इसका इतना पार्ट देखें तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। अब इसमें उंगली नुमा उभार पाए जाएंगे, इस तरीके के उभार कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो इस एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं विलाई। अब यदि हम इस एक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम करें तो कुछ इस तरीके का बनता है और इसके ऊपर पाई जाती है ऐसे माइक्रोविलाई। और इसके बीचों बीच में कुछ लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं। तो ये है विलाई और ये है माइक्रोविलाई। तो इन फोल्ड्स के कारण क्या होता है? इंटेस्टाइन की सरफेस लगभग 600 गुना बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो एब्जॉर्प्शन या अवशोषण की मेन साइट कौन होती है? छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए इसकी सरफेस कुछ इस तरीके से यहां पर, अगर इन में इसके बाद में छोटी आंत से भोजन कहां जाता है? बड़ी आंत में जाता है और फिर एनस के द्वारा
बाहर एग्जिट कर दिया जाता है। अब इसमें पहले देख लेते हैं ड्यूडिनम। तो ड्यूडिनम लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी संरचना है। ड्यूडिनम का मीन या मतलब होता है 12। ड्यूडिनम का मतलब होता है 12। तो कहने का मतलब है अगर हम हमारी 12 उंगलियों को रखें तो 12 उंगलियों की जितनी विड्थ होगी, चौड़ाई, इसके बराबर इसकी चौड़ाई हो सकती है। अब जेजुनम, जेजुनम का अर्थ होता है एम्प्टी, यानी खाली। तो इसमें माइक्रोविलाई की संख्या कम होती है, विलाई या माइक्रोविलाई की संख्या कम होती है। सबसे ज्यादा विलाई और माइक्रोविलाई किस में पाया जाएगा? इलियम में। अब जेजुनम से याद आया, जब कोई भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो कुछ समय बाद उसकी बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है या फूलने लगती है। तो किस वजह से फूलती है? जेजुनम में पाए जाने वाले जो बैक्टीरियाज हैं, जैसे इकोलाई। तो जेजुनम में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज और इंटेस्ट, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में बनने वाली गैसेस, ये अब ऊपर की ओर आने लगती हैं। साथ ही साथ क्या होता है, जितनी भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या सिकुड़ी हुई अवस्था में होती हैं डेथ के बाद में, वो क्या होती हैं? फैलने लगती हैं। सिकुड़ी हुई अवस्था में रहती हैं वो फैलने लगती हैं, जिससे इसकी लंबाई बहुत बढ़ जाती है। अगर देखा जाए तो एक मरे हुए व्यक्ति या डेथ बॉडी में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ। तो मरने के बाद में कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो डेड बॉडी है उसकी जीभ बाहर आ जाती है, या फिर हमारी जो आईस है वो बाहर आ जाती है। वो किस वजह से आती है? इसमें जो बैक्टीरियाज हैं उनकी उनसे होने वाली केमिकल रिएक्शन और बनने वाली गैस, तो गैस के प्रेशर की वजह से जीभ और आंख बनने के बाद में बाहर आ जाती है। तो वो कहाँ पाए जाते हैं? ये एम्प्टी रीजन में या जेजुनम में। और इसके बाद में जो तीसरा पार्ट है वो कौन सा है? इलियम। तो इलियम में विलाई, माइक्रोविलाई पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं उंगली नुमा प्रवर्ध। हिंदी में बोलते हैं उंगली नुमा उभार या उंगली नुमा प्रवर्ध। तो मेन एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? इलियम में। डियोडिनम का मुख्य काम क्या होता है? ग्रहणी। इसके नाम से ही समझ में आता है कि आमाशय से जितना भी या स्टमक से जितना भी डाइजेस्टिव वाला फूड है वो आगे जाके ग्रहणी में एकत्र होता है और वहां से जाता है कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर ड्यूडिनम से कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यहां पर एक और संरचना है, सॉरी, ड्यूडिनम के बारे में एक चीज और याद रखना है। ये एक इसकी एक स्पेसिफिसिटी है या विशिष्टता है। कौन सी? ड्यूडिनम में ही पेंक्रियास और लीवर से आने वाली हिपेटिक डक्ट कहां पर आके खुलती है? ड्यूडिनम में। तो ड्यूडिनम में तीन टाइप के डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो स्टमक से आने वाला एससीएल, गैस्ट्रिक जूस। दूसरा पेंक्रियास से आने वाला पेंक्रियाटिक जूस, हाँ, या अग्नाशयी रस। और तीसरा लीवर या यहाँ पर जो पित्ताशय है, लीवर के नीचे एक पित्ताशय होता है या गॉल ब्लैडर, यहां से निकलने वाला कौन सा? बाइल जूस। ये तीनों कहां से होकर गुजरते हैं? ड्यूडिनम से। ठीक है, तो अब ये भोजन जो यहां से स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है उसका नाम चेंज हो जाता है। पहले यहां हम जब यहां से ग्रहण करते हैं जो भोजन अंदर जाता है इसको क्या बोलते हैं? बोलस। ठीक है, अब स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ जो फूड जाता है उसका नाम हो जाता है काइम, CHYME, काइम। अब एक मेन स्ट्रक्चर है जिसके बारे में पूछा जाता है कि लीवर कोन की क्रिप्ट कहां पाई जाती है? स्टमक में, इंटेस्टाइन में या लीवर में? तो कहां पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका नाम याद रखेंगे, लीवर कोन की क्रिप्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ये वाला क्वेश्चन आता है कि लीवर कोन की क्रिप्ट कहां पाई जाती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या पढ़ना रहेगा?
लार्ज इंटेस्टाइन, पेंक्रियास, गॉल ब्लैडर और लीवर।